क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और प्रूफ करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल क्यूब के इक्वल है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, हमने हमें चाहिए ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर। ठीक है, हम दरअसल यहाँ पे ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम वन को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी कर देंगे। चूंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर हम उसको डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तीनों कॉलम्स एज इट इज़ हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर भी चाहिए। हम कॉलम वन पे ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, और ऐड कर देते हैं बाकी तीनों कॉलम्स। तीनों कॉलम कैसे ऐड करेंगे, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सी से करेंगे और इसको डी से करेंगे। इधर बी स्केयर, इधर सी स्केयर और इधर डी स्केयर बन गया। ठीक है, और बाकी देखो बाकी क्या होगा हमारे पास, माइनस ए भी है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, प्लस ए भी बन गया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से। कट के क्या आ जाएगा, इधर ज़ीरो। ठीक है, एज इट इज़ माइनस ए सी है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। ठीक है, इसको बी से मल्टीप्लाई करो, इसको हम किससे करेंगे, सी से। इसको किससे करेंगे, डी से। ठीक है, ये भी कट के मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगेन माइनस ए डी है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से। ये भी काट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इधर फर्स्ट जो कॉलम और रो है हमारे पास, उसमें बन जाएगा स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर और बाकी नीचे ज़ीरोस। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता, फिर हम इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं और बाकी डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसको ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट। अब हम इसको सिंपल एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ए लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फिर चूँकि दरमियान वाले के साथ माइनस लेते हैं और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ए डी प्लस माइनस बी सी। फिर सी लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, डी बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको अंदर, ये दो कट गए, ए अब इस सब में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेंगे तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर बन गया। ये वाला ए इससे कैंसल आउट हो जाएगा और एक ये और एक ये क्या बन जाएगा, होल स्केयर। ठीक है, सो ये वाला डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर का होल स्केयर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल हम ये एक कॉलम को फिक्स कर लेंगे थर्ड वाले को और इनको आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, इनको आपस में माइनस कर लेंगे, कुछ हमारे पास ज़ीरोज़ बन जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने C3 को फिक्स किया है, ठीक है, और बाकी पे ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, बी प्लस सी का होल स्केयर माइनस ए स्केयर। इसको हम कैसे लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, सबको ऐसे ही लिख लिया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, सी वन और सी टू में से कॉमन ले लिया, बाहर स्केयर बन गया। अब हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हमने रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, बाकी दो रोज़ देखो ऐसे ही है, रो 3 में से बाकी दोनों रोज़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये थोड़ा छोटा डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इसको अब हम एक्सपेंड कर लेंगे सिंपल। ठीक है, इसको अब हम सिंपल एक्सपेंड कर देंगे या फिर ये मज़ीद ऑपरेशन लगा लो, नहीं तो वैसे भी एक्सपेंड कर लो और सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेकेंड जो है उसकी साइड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10th का जो सेकेंड पार्ट है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमें नज़र आ रहे हैं ए ए ए और एक्स एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सी वन में बाकी सारे कॉलम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3a बनेगा x प्लस 3a, x प्लस 3, अब ये कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 बन जाएगा। अब एक वन को फिक्स करेंगे, बाकी नीचे ज़ीरोज़ बना लेंगे। ठीक है, बाकी ज़ीरोज़ जब आप लोग बना लोगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R1, उसने R1 को फिक्स कर लिया और बाकी रोज़ माइनस कर ली, हमारे पास क्या बन गया फिर ये। अब हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, बाकी मेरे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया।
अब क्या होगा, बाकी तो ज़ीरोज़ हैं सारे, एक ये बचेगा और एक ये, यानी कि एक्स माइनस ए का क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब, जो कि मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 1 1 बने पड़े हैं, एक 1 हम फिक्स कर लेंगे, हमने ये वाला मैंने 1 फिक्स कर लिया। ठीक है, तीसरा कॉलम फिक्स कर लिया, C1 माइनस C3 करेंगे और C2 माइनस C3 करेंगे। अब ये 0 0s बन गए, अब इसको छोड़ लेंगे और इसको छोड़ लेंगे, ये सिंपल मेरे पास 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट को हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद ये, सॉरी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया उसने। ठीक है, यहाँ से बीटा कॉमन है, यहाँ से अल्फा कॉमन है। ठीक है, अब गैमा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से गैमा माइनस ए कॉमन लिया, C1 में से और C2 में से बीटा माइनस गैमा, अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, इधर अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा और गैमा माइनस अल्फा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, वो भी आप लोगों ने ट्राई करना होगी।